हेलो गाइस, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत पेन होता है, मुझे बहुत पेन होता है। तो मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ, मुझे खुद पेन होता है। मेरे से इलाज पूछते हैं, मैं क्या बताऊँ उनको। आज सुबह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं अभी कम से कम 3 पेन किलर खा चुका हूँ, 3 पेन किलर खा चुका हूँ, लेकिन अभी भी दर्द बंद नहीं हो रहा है। मैंने डॉक्टर से भी बात किया तो बोलते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। 3 जगह पेन हो रहा है, एक यहाँ पे पेन हो रहा है, दूसरा यहाँ एंकल के पास पेन हो रहा है, देख रहे हैं। मैंने दो दो पेन किलर रखा हुआ है, एक में दो खाया है और एक में एक खाया है, टोटल 3 खाया है, लेकिन अभी तक पेन बंद नहीं हो रहा है। अचानक पेन स्टार्ट हो गया, ये हे प्रभु, ये दर्द कब बंद होगा? बस प्रभु से यही मनाता हूँ कि ये दर्द बंद कर दे, कि तो मुझे जल्दी ठीक कर दे। मैं इतना दर्द नहीं सह पाऊँगा गाइस, ये दर्द की बहुत ज़्यादा बाहर है बर्दाश्त के। अगर किसी को इतना ज़्यादा पेन हो रहा है तो कैसे बर्दाश्त करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा? मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ कल से एक्सरसाइज, और कहीं आ जा नहीं पा रहा हूँ मैं, इवन मैं ऑफिस भी नहीं गया आज। बस ऊपर वाले से, गणपति बप्पा से बस यही दुआ कर रहा हूँ कि हे बप्पा, हे विघ्नहर्ता, प्लीज़ इस दर्द का जल्दी निवारण करो, मुझे जल्दी ठीक करो। वो भी, और जो भी हमारे CI भाई हैं वो सबको ठीक करो। ये ज़्यादा पेन किलर खाने की वजह से रिएक्शन हो रहा है मेरे बॉडी में, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या करूँ? अभी मैंने कम से कम 8 गोली खाया है पेन किलर का, और यहाँ हाथ पे भी हो रहा है, दोनों साइड हाथ पे हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और पूरे बॉडी में ऐसे रिएक्शन हो रहा है। मैं इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता गाइस, अभी क्या करूँ? इसका डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, अभी जो मेरे बॉडी में सब रिएक्शन हो रहे हैं। आज 2 दिन हो गया लेकिन पेन नहीं बंद हो रहा है, मेरा सब पूरा लाइफ ठप हो गया 2 दिन से। बस ऊपर वाले से यही मना रहा हूँ कि प्लीज़ ये दर्द बंद हो जाए, पेन किलर ना खाना पड़े, किसी को भी ना खाना पड़े। तो कैसे हैं आप सब? बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आपको पेन करता है कि नहीं करता है। तो गाइस बहुत ज़्यादा पेन करता है यार, 2 दिन से बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा लगता है कि अपने पैर काट दूँ, मैं इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। 3-4 जगह एक साथ मार रहा है, एक नी पे, यहाँ पे, और फिर एक हील पे मार रहा है। हाँ देख रहे हैं कैसा हो रहा है। अरे यार, मैं कल से 9 पेन किलर खा चुका हूँ। मैं डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर बोले कि अभी इतना ज़्यादा मत खाओ, नहीं तो नुकसान दे सकता है, क्योंकि मेरे बॉडी में सब पूरा मार्क मार्क आ गया, जैसे घुटने पे आप देख सकते हैं पूरा लाल हो गया, जहाँ जहाँ पे जॉइंट है पूरा दाना दाना निकल आया है, मेरे पूरे बैक साइड निकल आया है, मेरे पूरा देख रहे हैं इधर हाथों में निकला है पूरा, ये सब देख लीजिए। अभी तो आपको अच्छे से नहीं दिख रहे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इसका कोई उपाय भी नहीं है। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं सर आपको जब पेन होता है, जब आपको चुभन होती है तो आप क्या करते हैं? मैं उनको बस यही बोलता हूँ कि ऊपर वाले से बस दुआ करता हूँ कि बस कि जितना जल्दी हो सके ये दर्द को ठीक कर दो, और बाकी जो भी SCI भाई उनका भी दर्द दूर कर दो, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। पेन किलर भी असर नहीं कर रहा है,
मेरे बॉडी में पूरा रिएक्शन हो गया पेन किलर खा खा के। तो गाइज आप भी, मुझे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप पेन किलर मत खाइए। सुबह के अभी 4:30 बज रहे हैं, सो नहीं पा रहा हूँ 2 दिन से। देख रहे हैं, मेरे पूरे नस टाइट हो गई है। तो गाइस प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना एक्सरसाइज कीजिए और इसको बर्दाश्त कीजिए, और तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है, ये जब मेरा रिकवरी थोड़ा होने लगता है तब ज़्यादा पेन करता है ये, तो यही मान के मैं थोड़ा सा इसको बर्दाश्त करता हूँ कि मैं आओ ठीक हो रहा हूँ, मैं आओ ठीक हो रहा हूँ। शायद इसकी वजह से मैं इतना ठीक हो पाया क्योंकि इतना ज़्यादा पेन होता है ये। जितना ज़्यादा मुझे पेन होता है उतना मुझे रिकवरी दिखता है, तो यही एक उम्मीद है जो मुझे हौसला देता है, नहीं तो फिर मैं कुछ भी कर लेता अपने आप को, कुछ भी कर लेता गाइस मैं अपने आप को, बस यही एक जो हौसला देता है। तो गाइस प्लीज़ बर्दाश्त कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना एक्सरसाइज कीजिए, प्लीज़ गाइस। आई होप आपको मेरी कंडीशन अच्छे से पता हो गई है। ये मजाक की बात नहीं है, जो जिसको पेन होता है ना वही समझ सकता है ये दर्द, और कोई नहीं समझ पाएगा ये दर्द। ये छोटा मोटा दर्द नहीं है, भगवान ऐसी दर्द किसी को ना दे। और ये 1-2 दिन की दर्द होती तो मैं समझ भी पाता, लेकिन ये इतने सालों से हो रहा है लोगों को, मुझे, बाकी सभी सीआई भाइयों को, तो मैं समझ सकता हूँ उनको कितना दर्द हो रहा है, वो भी समझ सकते हैं मुझे कितना दर्द हो रहा है। तो गाइस प्लीज़ अपना ख्याल रखें, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखें और अपने ऊपर, और एक्सरसाइज बंद मत करें, जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करें। अब कैसे मैं आपको बोलूं कि मैं अच्छा हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। लोगों को लगता है कि मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। तो गाइस प्लीज़ अपना ख्याल रखें और ऊपर वाले की भरोसा रखें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।